राजधानी जयपुर में लुनियाबास गोने रोड स्थित बाबा बालकनाथ आश्रम में बाबा बस्तीनाथ के सानिध्य में 551 कुंडीय मृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर से 15 किलोमीटर की कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे और लवाजमे के साथ हाथों में नीली ध्वज पताका के साथ ये पद यात्रा निकली। बाबा बालकनाथ की 15 किलोमीटर की यात्रा जो पद यात्रा है जो 551 कुंडीय महायज्ञ की यात्रा है वह प्रारंभ हो गया। जो जयपुर के आराध्य देव छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गुलाबी नगरी के अंदर ये नज़ारा देख सकते हैं। जो बात करते हैं यहाँ पे जो बाबा है वो बाबा बालकनाथ के जो इनके शिष्य है बाबा बस्तीनाथ के द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है 551 कुंडीय जो महा मृत्युंजय जो महा रुद्र का जो अभिषेक होगा जो महायज्ञ होगा उसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी इंतजाम किए गए। आप यह देख सकते हैं जो नीले झंडे लेकर यहाँ पे पदयात्रा निकले हैं और बाबा के जयकारों के साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं पुष्प वर्षा की जा रही है बाबा के जयकारों के साथ जा रहे हैं। सबसे पहले जो बाबा बस्तीनाथ है वो हाथी पे सवार होकर रवाना हो रहे हैं, उनके साथ हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे पदयात्री देखे जा रहे हैं और कलश यात्रा भी यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं जो विभिन्न वेशभूषा के अंदर जो ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं वहाँ से भी लोग आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाओं के जो कलश यात्रा है वो रवाना हुई है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बैंड गोजे और बैंड बाजे लवाजमे के साथ नीली ध्वज पताका लिए हजारों को भक्त और बाबा बालकनाथ के जयकारे लगाते हुए दर्शनार्थ निकले। कलश यात्रा में कतारबंद होकर कदम से कदम मिलाती महिलाएं आप यहां देख सकते हैं। विश्व शांति लोक कल्याण दीर्घायु महामारी प्रकृति प्रकोप और पर्यावरण रक्षा के लिए ऐसा नज़ारा आप जयपुर की गुलाबी नगरी के अंदर छोटी काशी के अंदर देखने को देख सकते हैं। 6 दिवसीय जो 551 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत से पूर्व आज जो कलश यात्रा निकाली गई है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। बात करना चाहेंगे आप यहां पर यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं कहां से आए हैं और कहां तक जाएंगे? कोटपुतली से आया हूं, झंडा मैं अरब कल समझा रहा। इनका कहना है कोटपुतली से आए। हाँ कोटपुतली से आए। बाबा के प्रति जो भगवान के प्रति आस्था दी थी? हाँ आस्था है, बहुत ही ज्यादा आस्था है। लोगों का महिलाओं का कहना था कि कोटपुतली से आए हैं, पूरे राजस्थान भर से जो पदयात्री हैं वे शामिल होते हुए यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं और पदयात्रियों का कहना है कि बाबा के प्रति बाबा बालकनाथ के प्रति जो आस्था है उसके प्रति जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6 दिवसीय महामृत्युंजय जो महायज्ञ का आज जो कलश यात्रा निकाली गई थी उसके बाद अब जो विश्व शांति के लिए जो प्रार्थना की जा रही है कोरोना काल के बाद ऐसा नज़ारा जयपुर शहर में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रामकृष्ण।